लेजेंड से बातचीत। जो आज के हमारे लेजेंड है ना, उनका फाइनेंशियल फील्ड में एक्सपीरियंस इज मोर देन 30 इयर्स। जी हाँ दोस्तों, 3 डेकेड से ऊपर का उनके पास एक्सपीरियंस है। एजुकेशन की बात करें सो ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास एंड उसके बाद उन्होंने MBA किया था फ्रॉम लंडन। ही हैज इवन बीन अवॉर्डेड एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया बाय इकोनॉमिक टाइम्स इन 2018 एज वेल एज इन 2019। टूडे ही इज MD एंड CEO ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड्स। ही इज नन अदर देन मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम। चलिए स्वागत करते हैं सुनील सर का और स्टार्ट करते हैं उनके साथ डिस्कशन। सबसे पहले सुनील सर, वी वेलकम यू ऑन आवर चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल। धन्यवाद और बधाई हो सब आपके इन्वेस्टर्स और आपके जो इनिशिएटिव है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ना, आई विल वॉन्ट कि हम सीधे चले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपसे हम एक भी सेकंड वेस्ट बिना करे क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। सर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे और हमारे आज सभी व्यूअर्स के दिमाग में है, इंडिया के दिमाग में है, वो ये कि सेक्टर वाइज क्या एलोकेशन होने वाला है, कैसे बाउंस बैक करने वाला है इंडिया, सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट होगा और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए यहाँ से। देखिए मैं कहूंगा कि आज के दिन में एक शॉर्ट टर्म व्यू, मैं शॉर्ट टर्म 18 मंथ्स मानता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में हम 3 से 5 साल की बात करते हैं, राइट। तो एक शॉर्ट टर्म 18 मंथ व्यू रखने की जरूरत है, उसके बाद 3 से 5 साल वाली जरूरत, क्योंकि जब हम कहते हैं लोगों से कि आप 3 से 5 साल करो, बट हमें पता भी है कि लोग 3 से 5 साल बताते हैं मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनका आउटलुक उतना लंबा नहीं होता है। तो इसमें मैं क्यों ये इतने डिटेल में बता रहा हूँ कि अब स्थिति ऐसी है कि मेरे मन में 18 महीने के लिए कुछ सेक्टर आगे परफॉर्म करेंगे और 3 से 5 साल में कुछ कई अलग सेक्टर अच्छे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये एक सोच मन में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में निवेश कर रहे हैं, राइट, तो आपको वो चेंज ओवर करने की जरूरत होगी ट्रैक करते हुए, क्योंकि जब मैं 18 मंथ्स कह रहा हूँ, चाहे वो 12 महीने भी हो सकता है, चाहे 24 महीने लग जाए। तो वो एक मन में रखना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ, आज की जो सेक्टर एलोकेशन वो एक परमानेंट सी एलोकेशन नहीं है कि आप उसको फिलेट चार्टेड फॉरगेटेड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में मैं 18 मंथ्स के लिए मानता हूँ कि मेरे को हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर सबसे बढ़िया दिखता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोविड महामारी के कारण जो भी कोशिश हो रही है पूरे वर्ल्ड के फार्मा कंपनी में, रिसर्च लैब्स में, कि एक वैक्सीन या क्योर डिस्कवर करें, तो कहीं पे भी उसकी सक्सेस होती है, चाहे वो इसराइल में हो या ब्रिटेन में हो या अमेरिका में हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को आने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे साइंटिस्ट और फार्मा की कैपेसिटीज कहीं और पे नहीं है। तो मेरे लिए सभी इंडियन कंपनीज को कुछ ना कुछ भाग मिलेगा उस डिमांड में जब भी ये वैक्सीन डिस्कवर होती है। मैंने इसलिए 18 महीने का टाइम लिया क्योंकि वैक्सीन अभी बता रहे हैं कि लेटेस्ट कोई इसराइल में 1 महीने के अंदर करने वाला है, हमारे पुणे वाले लैब भी बता रहे हैं कि सितंबर से हम शुरू करेंगे, बट इसमें सब एक रिस्क होता है। तो एक 18 मंथ आउटलुक के लिए मेरे ख्याल में फार्मा के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहेगी और एक निवेश के लिए सही वक्त होगा फार्मा हेल्थ केयर में 18 मंथ्स का आउटलुक रखने से अच्छी चीज होगी। वो पहली होगी एक सेक्टर जो मैं कहूंगा। सेकंड सेक्टर यहाँ पे कहूंगा कि IT सेक्टर। तो IT सेक्टर में क्या है कि यस, एक तरफ आपको एक रुपी स्ट्रांग दिख रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी H1B वीजा पे ऊपर दबाव, इलेक्शन का माहौल है तो और टाइटन करेंगे, ये रिस्क है IT सेक्टर में। मगर उसको काउंटर करने वाली चीज ये है कि ये लॉकडाउन और कोविड के कारण हमारे आमतौर की जिंदगी में इतना बदलाव आ गया है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। अभी नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का कंजम्पशन इतना हो गया, वर्क फ्रॉम होम से डेटा इतना कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए IT वाले की सॉल्यूशंस, क्योंकि हर कंपनी एक नई बिजनेस मॉडल के लिए तो हेवीली IT डिपेंडेंट होगी। तो ये क्लाउड और डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए IT के लिए ये Y2K का एक टाइम हो सकता है। जैसे Y2K में एक बहुत बड़ा एक उछाल मिला था IT सेक्टर को, वैसे भी अभी ये कोविड के कारण मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर के लिए नए नए और जो कंपनियां उसको स्मार्टली जल्दी मूव करेगी, राइट, तो उसमें लाभ होगा। तो एक IT सेक्टर पर ध्यान देके उसमें निवेश करना एक अच्छी बात होगी इस 18 मंथ के टाइम फ्रेम में, वो दूसरी चीज है। और तीसरी सेक्टर जो मैं मानता हूँ ये कॉन्ट्रा सेक्टर है, यानी आज लोगों के मन में दिलचस्पी नहीं है इसमें, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 18 मंथ में ही ये निवेश के लिए बहुत बढ़िया है और 3 से 5 साल के लिए भी ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जो सेक्टर मैं बताने वाला हूं ये एक्चुअली 18 मंथ्स टू 3 टू 5 इयर्स पूरे, ये मैं कहता हूं कि है BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस।
तो मैंने से बैंकिंग बैंकिंग मतलब भी हमारे बैंक में एनपीए होने वाला है, नहीं ये है बैंकिंग है, एनबीएफसी रिटेल लेंडर्स भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, तो ये ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस मेरे ख्याल में, क्योंकि ये देखिए ना अब क्यों वहां पे थोड़ी झंझट हो रही है, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण जरूर एनपीएस बढ़ेंगे राइट, और एक्चुअली नंबर्स में भी उतना नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब वो आप मॉरेटोरियम देते हो तो नेचुरली वो एनपीए में नहीं शामिल होगा ना, तो एक्चुअली नंबर्स बेहतर दिखेंगे, रियलिटी विल बी वर्स मैं मानता हूं, मगर आप सोच लीजिए कि जो स्थिति है ये तो ठीक, वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड का असर मैक्सिमम एक साल के लिए रहने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी, इफेक्ट ऑफ कोविड एक साल पुश बैक कर दिया है वर्ल्ड ग्रोथ की, जो उम्मीद थी पहले कि इस साल होगी वो एक साल के बाद होगी, तो ऐसी हालत में इंडिया में भी ये एक वी शेप्ड जो कर्व की बात हो रही है उसमें आप देखिए कि रिवाइवल जो होती है वी का, बिना बैंक और सर्विसेस फाइनेंशियल सर्विसेस सेक्टर के हाथ दिए बगैर रिवाइवल नहीं हो सकती है, तो अगर आपको थोड़ा भी इंडिया के ऊपर भरोसा है कि मेरे भविष्य में इंडिया वापस आएगी तो समझ में, जब बैंकिंग को वापस आना ही है क्या होगा ना कि बैंक्स पे बड़े बैंक्स और गुड प्रमोटर बैंकिंग जो है बैंक्स और एनबीएफसी को ये सर्वाइव होके उनका मार्केट शेयर एक्चुअली बढ़ेगा तो आप क्योंकि मैं आपको मैं स्पेसिफिक बैंक या ऐसे खरीदने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तो एक आइदर म्यूचुअल फंड में बीएफएसआई सेक्टर फंड देख रहा हूँ, नहीं तो अगर आप ऐसे एडवाइजर्स आप एडवाइस कर रहे हैं और पोर्टफोलियो देख रहे हैं जिन जिन के डाइवर्सिफाइड फंड में भी बीएफएसआई का शेयर ज्यादा हो, मैं कहता हूँ कि ऐसे फंड बेटर परफॉर्मेंस आने वाले में दिखेगी, क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन, ठीक है सेक्टर कॉल में क्या होता है ना, एक होती है बिजनेस का डिमांड, दूसरा होता है वैल्यूएशन की प्ले, आज बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल एक डर के माहौल जो पैदा हुई है एनपीएस के बारे में, उसके कारण एक बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन दब गई है, तो आज आपको एक्चुअली फ्यूचर ग्रोथ इंडस्ट्री सस्ते दाम में आज मिल रहे हैं, तो मेरे को क्या कि डबल वैल्यू होगा इसमें, वैल्यूएशन भी पिकअप होगी और धंधा और बड़े वाले बैंक्स और एनपीएससी को मार्केट शेयर बढ़ेगा, बिकॉज छोटे मैं मानता हूं कि छोटे बैंक्स छोटे पीएसयू बैंक्स छोटे एनबीएससी इनके लिए बहुत मुश्किल होगी हालात, तो उनको चॉइस नहीं होगा कि मेरे को किसी के साथ मर्ज करूं या मैं, तो वो स्पेस जो आएगा क्योंकि ये छोटे बैंक सब बाहर निकल जाएंगे तो वो स्पेस बड़े जो बैंक्स है उनकी मार्केट शेयर बढ़ के उनका धंधा एक्चुअली बेहतर बढ़ सकती है, तो मेरे लिए ये बैंकिंग सेक्टर मैंने इवन पब्लिक टीवी चैनल में भी मैंने दोहरा दिया ये बात कि ये एक अच्छी सेक्टर है, तो ये होती है 18 मंथ की व्यू, और अगर 3 से 5 साल जाएं मैं अभी भी कहूंगा कि आपको इंडियन कैपेक्स स्टोरी राइट, क्योंकि अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी तो इंडिया को आएगी, वो स्मॉल से आएगी कि चाइना से धंधा बाहर के देशों में जो जा रहा है वहां इंडिया का स्थिति बहुत बढ़िया है, मानते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और काम करने की जरूरत है, हमें फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने की जरूरत है, मगर ये सब अगर 18 महीने का टाइम दे हम गवर्नमेंट को कि रिफॉर्म्स करे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, और फॉरेनर्स के लिए बहुत से स्टेप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उठाया है राइट, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन रेट जो नई कंपनी के लिए 17% कर दिया राइट, ये सब एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज अभी इंडिया के पास बहुत है, लो कॉस्ट ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर, तो ऐसी बातें देखकर मेरे लिए 3 से 5 साल में डेफिनेटली इंडिया को एक एक्सपोर्ट बेस्ड मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम पहले से बात किया था अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ वो नेक्स्ट 3 to 5 years, वो 18 months का टाइम दीजिए, तो अगर आपके एलोकेशन में आप सोचते हैं कि मैं 18 महीने के लिए इसके बारे में मैं देखूंगा नहीं सोचूंगा नहीं मैं कवर में डाल दूंगा, तो अगर इस सेक्टर में डाले आपको जरूर इससे मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी मिलने की एक आशा रख सकते हैं, तो इस बीच में दो सेक्टर जहां पे मैं स्पेसिफिकली नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फंड मैनेजर के हाथ में बेहतर है वो है कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन में एफएमसीजी एक शॉर्ट टर्म सेफ्टी प्ले है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक लॉन्ग टर्म प्ले, बट इसमें क्या होता है ना कि ये कब ये रिवाइवल दिखेगा, और इसमें ऑटो जैसे सेक्टर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर आते हैं उसमें एक वैल्यूएशन प्ले भी है क्योंकि पिछले साल बहुत खराब था उनकी परफॉर्मेंस, बट उधर एक इंडिविजुअली मैं कहूंगा कि कॉल लेना आपके हाथों से मैं थोड़ा सावधान रही है क्योंकि ये फंड मैनेजर के हाथ में बेहतर है, बिकॉज कौन सी कंपनी जहां पे उसकी फैक्ट्रीज है जहां पे उसके मार्केटिंग स्ट्रेंथ है जाके उसको जल्दी उठा पाएगी, ये एक सेक्टर वाइड कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है, कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है ये सेक्टर के अंदर, तो मैं कंजम्पशन से कहूंगा कि आप बेटर म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई कीजिए, एज अ सेक्टर कॉल मत लीजिए।
वाओ सर, सर आपका जो बैंकिंग और फाइनेंस वाला व्यू था दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। सर इसी व्यू को आगे बढ़ाते हुए अभी आज के प्रेजेंट टाइम में व्हाट शुड वी डू, मतलब आज हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे एक इन्वेस्टर यूटिलाइज कर सके ताकि आगे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में उसको फायदा हो। तो मैं दो चीज कहूंगा इसमें, दो पावरफुल टूल्स है राइट जो यूज करना चाहिए, एक है SIP और दूसरा है मल्टी कैप फंड्स राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना कि आज मिड एंड स्मॉल कैप्स की हालत अच्छी नहीं है क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादातर अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ जुड़ी होती है। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी की नियर टर्म हालत खराब दिख रही है तो मिड एंड स्मॉल कैप्स के वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, मगर ये सेम क्षेत्र है जहां पे आपको जैसे ये रिवाइवल दिखता है एकदम जबरदस्त बढ़त दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक सिंपल फैक्टर, बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप और मिड स्मॉल कैप है लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक्स। तो ये गिरावट जो दिसंबर 17 से बाद आपने देखा है मिड एंड स्मॉल कैप में, उसका मेन कारण है कि जब कोई बेचने जाता है तो लिक्विडिटी नहीं होती है, उसके कारण ही दाम गिरती है। तो इसलिए सर्क्यूट ब्रेकर सब लगते हैं। मगर आप सोचिए कि जब रिवाइवल होता है तो सेम लिक्विडिटी उसके हाथ आता है क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं होगा तो दाम बढ़ती जाएगी। तो एक शार्प वी शेप्ड अप्रोच होगा मिड एंड स्मॉल कैप के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि SIP में अगर आप यूज करें मिड एंड स्मॉल कैप में खासतौर से, तो क्या होता है कि ये जो गिरावट है उसमें आपकी तो रुपी कॉस्ट एवरेज के बेनिफिट आपको भरपूर आ जाएगी और जब अपटेक आती है तो ऑटोमेटिकली सभी जो SIP आप देखते हैं 1 साल 3 साल 5 साल पास्ट रिटर्न्स ऑफ SIP एक ही महीने में नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत, बिकॉज SIP में प्रॉब्लम क्या होता है कि आज लोग नाराज है कि मेरे 5 साल की SIP भी नेगेटिव चल रही है तो मैं क्या करूं, क्योंकि आज मार्केट डाउन में है। ये रॉन्ग टाइम है कंपेयर करने के लिए क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होता है कि आप यूनिट्स जब गिरते हो ज्यादा खरीदते हो और जब बढ़ता है तो कम खरीदते हो, मगर एंड पॉइंट अगर बिगिनिंग पॉइंट से नीचे हो तो जितना भी रुपीस कॉस्ट एवरेज वो नेगेटिवली वर्क करता है आपके लिए। तो रुपीस कॉस्ट एवरेज के वर्क करने के लिए ये जरूरी है कि एंड पॉइंट आपका बिगिनिंग पॉइंट से हायर लेवल पे हो। तो वो लेवल आएगी अगर 18 महीने के अंदर भी आ सकती है, मगर जरूर उसके बाद डेफिनेटली आ जाएगी। तो इस पीरियड में अगर SIP का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। तो मेरी सलाह यही है कि एज ए इन्वेस्टर मिडिल स्मॉल कैप में आज SIP, STP ये रूट के थ्रू आप अपना लीजिए एक 12 मंथ मैक्स 18 मंथ टेनर के लिए। अगर आप निवेश करेंगे SIP रूट के थ्रू आपको भरपूर लाभ होगा और उसको मैं मिडिल स्मॉल कैप में ज्यादा करने की एडवाइस दूंगा। एट द सेम टाइम दूसरा स्ट्रेटेजी जो दिया था मैंने कि आप इंडिविजुअली जाके लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप मत सोचिए। आज भी मैंने देखा कि धीरेन्द्र कुमार वैल्यू रिसर्च, उन्होंने कहा कि पीपल शुड इन्वेस्ट ओनली इन लार्ज कैप। मैं एक्चुअली नहीं मानता हूँ ये, मैं एक्चुअली ऑपोजिट हूँ। क्यों? क्या है कि लोग निवेशक ना आते हैं, आज लार्ज कैप की रिटर्न अच्छी है कंपेयर टू मिडिल स्मॉल कैप, धीरेन्द्र कुमार भी सलाह दे दिया तो आ जाएंगे, मगर एक वक्त होगा जब मिडिल स्मॉल कैप्स की दीवारी आएगी तब इनको कौन बताएगा कि आप ये लिक्विडेट करो और शिफ्ट करो, और वो एक साल के अंदर हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल के चक्कर में पड़ जाएंगे। धीरेन्द्र कुमार की बात से ये सही है कि पहले अभी लार्ज कैप थोड़ी देर के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी, मगर वो थोड़ी देर के लिए है। तो बात मेरी हाथ में ये उठती है कि मल्टी कैप फंड में अगर आप निवेश करें, किसी भी म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप फंड आप उठाइए उधर आज 50-60-70% लार्ज कैप होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लार्ज कैप का बेनिफिट मल्टी कैप देगी। बट एडवांटेज क्या है कि बिना आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के, बिना आपकी सोच समझ की क्या अभी वक्त सही है, फंड मैनेजर उसके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली मिडिल स्मॉल कैप को बढ़ाएगा और लार्ज कैप को गिरा देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज मैं कहूंगा कि सीधी सी बात है कि निवेशकों के लिए लार्ज एंड मिड कैप एक सेगमेंट है जिनको बहुत रिस्क अवर्शन है, स्मॉल कैप में उतना मेरे को एक्सपोजर नहीं चाहिए। तो लार्ज एंड मिड कैप जहां पे मिनिमम 35% लार्ज कैप, मिनिमम 35% मिड कैप में होता है और बाकी 35% स्प्लिट होता है, वो एक है। और थोड़ा रिस्क अगर कैपेसिटी है तो मल्टी कैप फंड्स जो ट्रूली फ्लेक्सी कैप है, वहां पे जितना भी आप चाहे कितना भी लार्ज मिड और स्मॉल को कितनी भी 0-100 आप कर सकते हैं टेक्निकली। तो मल्टी कैप रियली एक अपॉर्चुनिस्टिक है जहां पे आपको जैसे ही हालात बदलती है इकोनॉमी की, वो 6 महीने में 1 साल में 1.5 साल में फिक्र मत कीजिए, फंड मैनेजर उसको स्टडी करेगा। और जनरली इक्विटी मार्केट एक लीड इंडिकेटर होती है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमिक वीक ग्रोथ के पहले जनरली इक्विटी मार्केट उसको पकड़ लेती है, तो वो चीज एक फंड मैनेजर पकड़ पाएगा। तो मेरे सलाह यही है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप में, लार्ज कैप मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड इस कैटेगरी में कीजिए, और मिडिल स्मॉल कैप में आप एक
अग्रेसिवली एसआईपी की शुरुआत कीजिए, और ऑलरेडी जिनके एसआईपी चल रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि अगले 12 महीने में दे शुड डबल देयर एसआईपी इंस्टॉलमेंट. एब्सोल्युटली ओके. क्योंकि ये अगर भरपूर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज उठाना है तो एक्चुअली पुट योर वर्ड्स इनटू एक्शन ना. एग्जैक्टली आपकी वाली चीज मतलब बहुत यूनिक है, बट ऐसी पॉइंट है कि अगर आज अप्लाई किया तो सबको फायदा होगा. सर एसआईपी की बात चल रही है तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी हमें करनी चाहिए, अभी हमें पता है, हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि हमें पता है, बट जो हमारा इमोशन है, हमारा जो इमोशनल प्ले है वो बीच में आता है, वो कहता है कि यार आपका 10 साल का गोल होगा, बट क्योंकि 2 साल की एसआईपी नेगेटिव होगी हम 10 साल के गोल को भूल जाते हैं. सर इस चीज को कैसे टेकर करें कि 10 साल का जो माइंडसेट था या 5 साल का जो हमारा गोल था वो मेंटेन रहे एसआईपी के थ्रू, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो उसका हम फायदा उठा सके. ये बहुत मुश्किल चीज जो कह रहे हैं आप, बिकॉज़ अल्टीमेटली एक कस्टमर की थॉट प्रोसेस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग, जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें, राइट. ये मानते हैं और ये सब ह्यूमन बीइंग्स है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं. तो उसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में ना आपको एक टूल है जो आपको ये सही तरह से समझा सकती है, उसका नाम है रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस. एब्सोल्युटली राइट. तो ये रोलिंग रिटर्न एनालिसिस में थोड़ा आपको काम होगा, मेहनत करनी होगी, मगर आप अगर करेंगे तो आपको ये दिखता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम आपको कैपिटल क्रिएशन, जो भी आपके गोल है, सबको समझे इन्फ्लेशन बीटिंग 7%, आप उसमें प्रोबेबिलिटी का एक स्टडी निकाल सकते हैं, वन. बट मोर इंपॉर्टेंटली, ये तो आसानी से आपको हो सकता है, मगर इससे अलावा एक डीपर करेंगे आप कि जब भी आप उस इस पे एक्सेल शीट का थोड़ा उपयोग करने की जरूरत होती है, मगर आप एक कट ऑफ रखिए कि जब भी रिटर्न्स एक एवरेज लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट का लेवल लीजिए मार्केट का, तो जब भी करेक्शन हुआ है और निवेश करेक्शन टाइम में हुआ तब आपकी रिटर्न्स कैसे बनी उसका एवरेज निकालेंगे. तो मैं कहता हूं हमने हमारा मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में यह चीज किया कि अगर एक क्वार्टर में समझिए कि गिरावट नेगेटिव आ गई है निफ्टी में, और अगले साल में ऑन एन एवरेज मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में 53% रिटर्न मिला है नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड में, तो क्या होता है कि ये एक रोलिंग रिटर्न्स एक ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये कोई आपकी सोच नहीं है, ये हार्डकोर डेटा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमारे मिड कैप फंड 2002 से है, यानी 18 साल, तो 18 साल के टाइम फ्रेम में एक फंड को स्टडी करें आप और कहें कि जब भी इसमें मार्केट में करेक्शन आई है और उसके बाद वाला परफॉर्मेंस आप देखिए, तो आपको लगेगा कि बस एक साल में ही आपको करीबन 50% का रिटर्न एवरेज में मिला है. 50 में 100 भी होंगे और 25 भी होंगे, समझ लीजिए. तो ऐसी जो आप अगर हार्ड डेटा से लेके निवेशकों को दिखाएंगे तो आपकी कन्विक्शन भी बढ़ सकती है, नहीं तो वो क्या सोचेगा, आप एक सेल्समैन हो, आप इस वक्त में भी आके मुझको सेल्स करने की आपकी कोशिश है, मगर आप डेटा दिखाएंगे तो वो उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि नहीं, इट्स नॉट अ थॉट प्रोसेस, इट इज द रियलिटी ऑफ द पास्ट 18 इयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो हमारे दिमाग में आता है, आज के दिन में बैंकिंग सेविंग अकाउंट के रेट्स गिरते जा रहे हैं, एफडीज के रेट गिरते जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को क्या यूज करना चाहिए ऑप्शन? कि ये शॉर्ट टर्म को भी डिफेंड करने की जरूरत है, जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूं, राइट. तो मेरे को शॉर्ट टर्म में एक 3-6 मंथ व्यू है और एक 18-48 मंथ व्यू है. मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि मैं अभी डेट फंड के बारे में बात करने वाला हूं, तो वो ऑटोमेटिकली वो 3 साल का हमें मन में रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आप सेविंग्स बैंक के साथ 3-6 मंथ को कंपेयर कर सकते हैं, अगर बैंक एफडी से करना है तो आपको 3 साल का टाइम फ्रेम लिया तो ही आपको लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है, राइट. तो दोनों को हमें टैकल करना चाहिए. तो शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि एक्चुअली सेविंग्स बैंक रिटर्न से कंपेयर करने के लिए आपको बेसिकली 2 कैटेगरीज पर ध्यान दीजिए, वो एक है लिक्विड फंड, प्योर लिक्विड फंड, और ओवरनाइट फंड, क्योंकि दोनों में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं है और क्रेडिट रिस्क भी नहीं है आपको. सो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ही इज बेटर देन द टैक्सेशन ऑन इंटरेस्ट. क्योंकि सेविंग्स बैंक में 10,000 तक की टैक्स रेट है, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे उसको टैक्सेशन लगती है. तो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट को अगर 10,000 को उठा दिया तो उसके ऊपर उसका टैक्स तो भयंकर पड़ता है एज अ मार्जिनल रेट. पर ऐसा आपको लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स में आपको ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 50-75 basis points ओवर सेविंग्स बैंक रेट एवरेज मिलता है, प्लस उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी आपको बेनिफिट आती है, राइट. तो मैं कहूंगा कि एक 3-6 month टाइम फ्रेम में आप क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों मत लीजिए, क्योंकि वो एसेंशियली एक लिक्विड पैसा है, मेरे को जल्दी चाहिए. और आजकल लिक्विड फंड्स में सब वो अप टू 50,000 रुपीज इंस्टेंट रिडेम्पशन का फैसिलिटी भी है,
तो लिक्विड फंड्स आर अ बेस्ट कैटेगरी फॉर दैट बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन अप टू 50,000 रुपीस पर डे, और अगर आप 11:59 PM नाइट को किया 11:59 तो 12:01 का और 50,000 निकाल सकते हैं. तो एक्चुअली 1 लाख रुपीस का इमीडिएट लिक्विडिटी आपको आता है बैंक अकाउंट में. तो मेरे ख्याल में लिक्विड इज नंबर वन. थोड़ी ओवरनाइट फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें इंस्टेंट रिडेम्पशन का फैसिलिटी नहीं होगा, मगर अदरवाइज इट्स अ गुड बिकॉज जो भी इधर 30 दिन 60 दिन का जो लिक्विड में थोड़ा बहुत क्रेडिट रिस्क आ सकता है वो भी ओवरनाइट फंड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रेपो और इसमें ही निवेश करती. तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का हो गया. अगर 18 to 36 months रखिए तो इसमें 18 to 48 months तो दो तरीके से इन्वेस्टर होते हैं. एक होता है जिसको टैक्स की बेनिफिट की जरूरत हो, दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरे को 18 months to 36 months मेरे को जब भी पैसा चाहिए होगा मेरे को निकालने की जरूरत हो. राइट, तो 36 months के नीचे ये टैक्सेशन का बेनिफिट आपको हाथ नहीं आएगा. करेक्ट, तो मेरा ख्याल में देयर आर टू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट व्हिच आर वेरी सूटेबल. एक होता है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड और दूसरी होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड नहीं, देखिए कोई एएमसी ने प्योर ट्रिपल ए तरीके से चलाया है अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने, यानी पीएसयू थोड़ी जिससे एक्सप्रेस. तो मेरा ख्याल में आपको टैक्सेशन के बेनिफिट चाहिए तो 3 year+ के जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ बेटर कैटेगरी, क्योंकि आपको उधर यील्ड भी थोड़ी बेटर पिकअप होगी, टैक्सेशन का बेनिफिट भी आएगा. राइट, तो एक इट्स एक्चुअली क्वासी एफएमपी, उन दोनों जो एफएमपी था 3 साल का उसमें इतने का क्वासी. और इसमें क्या है, फंड्स में कहीं भी एग्जिट लोड नहीं है, तो आप निवेश कर रहे हैं 3 साल+ की अप्रोच से, अगर जरूरत पड़े तो आसानी से आप पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रनिंग यील्ड ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑलवेज बेटर दैन द गवर्नमेंट एंड द बैंक. Right? Absolutely. Whereas 18 to 36 months, a shorter term time frame, even 12 months to 36 months, a shorter term time frame, मैं कहूँ कि banking and PSU debt category में रहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि credit risk का बहुत कम option है एक bank, क्योंकि even Yes Bank की जो हादसा हुई थी उसमें भी खाली वो tier 1 capital में वो problem हुआ था, वैसे तो बाकी tier 2 capital में इनफैक्ट upgrade हो गया है. तो banks by and large मैं मानता हूँ कि safe ही है, PSU भी safe. तो banking and PSU debt fund एनी टाइम फ्रेम के लिए एडवांटेजेस है, क्या है कि लॉन्गर टर्म में उसकी यील्ड थोड़ी कम होगी, बिकॉज बैंकर्स नॉर्मली दे चार्ज दे पे लेसर इंटरेस्ट देन एनी कॉर्पोरेट. तो थोड़ा यील्ड का सैक्रिफाइस करना होगा, मगर एट द सेम टाइम बेनिफिट आती है आपको लिक्विडिटी की, और सेकेंड है एक क्रेडिट कम्फर्ट, क्योंकि आप मान लेते हैं कि कोई भी ट्रिपल ए कॉर्पोरेट फिर डिफॉल्ट ग्रेड में चले गए थे, तो ऐसा नहीं है कि खाली छप्पा तो लगता है कि ट्रिपल ए उससे कंप्लीट सेफ्टी गारंटीड है. मानते हैं कि इट्स नॉट ब्लाइंडली टू गो बाय रेटिंग, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपको उस टाइम फ्रेम में बैंकिंग एंड पीएसयू इज अ सेफर बेट. एब्सोल्युटली, तो वो मेरी सलाह होगी. Absolutely, सर. मतलब सर आज तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कंप्लीटली इस वीडियो में करते जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडवाइजर्स, व्हाट रोल डज एडवाइजर्स प्ले इन एन इन्वेस्टर्स लाइफ, एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव एन एडवाइजर? एक इन्वेस्टर के लिए एडवाइजर बहुत जरूरी है, फॉर द सिंपल रीजन कि आप हिस्टोरिकली स्टडी करें, राइट, और कि द अल्फा बिटवीन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड, राइट, जो होता है आपको जो भी है 1% 1.5% 2%, तो द ह्यूमन लेवल ऑफ गोल प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल, अंडरस्टैंडिंग द अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपनिंग एंड हाउ यू कीप लिक्विडिटी फॉर दैट, टैक्स प्लानिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट व्हेन यू वांट टू रिडीम डू यू रिडीम दैट वेयर यू मेक मोस्ट प्रॉफिट और दैट विच इज मोस्ट टैक्स एफिशिएंट, राइट. Right? So these questions, right? आप सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, आपके लिए आप अपनी फैमिली की तरफ से अकाउंटेबिलिटी निकल रहे हैं, क्योंकि आप एज ए हेड ऑफ द फैमिली जो भी करते हैं सही या गलत, आप गलती को भूल जाते हैं, सही को आप एडवर्टाइज करेंगे फैमिली के अंदर. बट एक एडवाइजर को आपने ये काम सौंप दिया तो आप उससे अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं. Absolutely. मेरी फैमिली के बेटर के लिए ये हुआ तो आप बताइए. तो आप अगर एडवाइजर को चैलेंज करेंगे और फिर वो उस चैलेंज को लॉजिकली जस्टिफाई करके आपको बताएगा, तो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एडवाइजर इसकी जब फियर एंड ग्रीड कम्पीट करती है, तो एक एडवाइजर आके बीच में आके ठंडा पानी डालता है फियर के ऊपर और ग्रीड के ऊपर, राइट. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एडवाइजर, वन. सेकेंड चीज ये भी हमने स्टडी की है कि अगर यू टेक वैल्यू रिसर्च,
कम पे फोर स्टार फाइव स्टार होते हैं. तो बेस्ट फंड और वर्स्ट फंड की डिफरेंस 4% इन रिटर्न है. इनसाइड वैल्यू रिसर्च 4 और 5 स्टार. मैं ऐसे नहीं कि पूरे वैल्यू रिसर्च कर रही, 4 स्टार और 5 स्टार जो मानते हैं कि अच्छी क्वालिटी फंड है उसके अंदर मैंने एक स्टडी किया. और कि जो अगर आप सोचिए कि वर्स्ट पर फंड इन डिफरेंस इन रिटर्न 4% पर एनम. ओह माय गॉड. तो आप अगर ऐसे इन्वेस्टर जाके उसमें निवेश करें और वर्स्ट फंड छूट गया आपको 4% का लॉस होता है. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग 1% ब्रोकरेज और 1.5% इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नैव एंड दिस नैव फॉर यू. यू विल स्टिल सेव 2.5% एनुअलाइज्ड यील्ड रिटर्न. उसका 5 स्टार रहते हैं और डायरेक्टली जाके ब्लाइंडली उसमें निवेश कर लेते हैं. अगर जो भी डायरेक्ट करता है, अगर आप ये स्टडी देखेंगे, पुल आउट करेंगे, वैल्यू रिसर्च का फाइल सबके पास है, आप देख सकते हैं. इट्स सॉर्ट कीजिए कि व्हाट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड, व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. और वो डेटा आप हाथ में रखिए, बताइए सर ये है डिफरेंस बिटवीन गुड एडवाइस एंड नो एडवाइस. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर. सबसे मेन तो आपने ये बताया कि 4 स्टार और 5 स्टार मतलब दोनों ही बेस्ट कैटेगरी है, उसमें भी इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो अगर बाय चांस सिलेक्शन गलत हो गया तब तो डिफरेंस ड्रास्टिक हो सकता है. सर सर फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि जो हमारी इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली है, मैं हमेशा इसे फैमिली के जैसे ट्रीट करता हूँ. चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हो जो हमारे थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट कराते हैं, या फिर मेरी सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो. वी हैव क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स, हमारी 1 लाख की फैमिली हो चुकी है. आपका फाइनल मैसेज हमारी फैमिली के लिए? मेरी मैसेज यही है कि देखिए स्ट्रेंथ लाइज इन नंबर्स. जब आपके पास 1 लाख और लोग जुड़े हो तो आपको सपोर्ट ऑफ द 1 लाख मेंबर्स एज अ कम्युनिटी आपको फैंटास्टिक बेनिफिट्स दे सकती है एंड वे बियॉन्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. अगर समझिए कि आपको पता लगा कि किसी फैमिली बहुत डायर स्ट्रेट्स में है और उसके लिए कुछ मदद चाहिए, तो क्राउड फंडिंग की जो बात करते हैं आप इसमें पोस्ट कीजिए तो तुरंत आपके लिए, आप तो जो फिलंथ्रोफिक आप सोच रहे हैं उसके लिए 100,000 पीपल आपके पीछे खड़े होंगे. यस सर, राइट. सो द स्ट्रेंथ इन नंबर्स ऑफ पीपल हु आर लुकिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इसमें When 100,000 members are there, सभी opinions की एक presentation होती है, तो out of that समुद्र बंधन जो होता है, इतने लोगों के views से जो आती है, तो definitely pure अमृत होगा. So what you can get from the participation of 100,000 members of the community, this cannot go wrong because it has taken all divergent views into consideration and then is come down. Absolutely right, sir. So thank you so much. I would say that it's a great thing. So all of you should, I hope community continues to grow from 1 lakh to 1 million very shortly. So sweet of you, sir. Thank you so much for the well wishes. And sir, सबसे पहले it's our honor कि आप हमारे पास आए, हमारे सारी फैमिली से डिस्कशन किया और अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें. आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेशन था, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डिस्कशन था एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पॉइंट्स आपने रखे और सबको अपना ओपिनियन दिया. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन. थैंक यू, विश यू ऑल द best and stay home and stay safe through this COVID crisis.